हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केजीएन मेडिसिन टीच। फ्रेंड्स, आज इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डाइजिन सिरप के बारे में जानेंगे। हालांकि यह तो गैस एसिडिटी को ठीक करने की दवा है, लेकिन इसका उपयोग कैसी कंडीशन में करना चाहिए जानेंगे। यह दवा कार्य कैसे करती है, गैस एसिडिटी के अलावा और कौन कौन से समस्याओं पर इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही डोज, साइड इफेक्ट तथा कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानेंगे, यानी किन किन व्यक्ति को इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, वीडियो की डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो में बने रहें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले डाइजिन सिरप के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। डाइजिन सिरप एक एंटासिड दवा है। डाइजिन सिरप गैस एसिडिटी को ठीक करने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अपच, पेट फूलना, खट्टी डकारे, पेप्टिक अल्सर के कारण होने वाली पेट की समस्या, पेट में जलन या अपच के कारण होने वाले पेट में दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। साथ ही कब्ज, बदहजमी, सीने में जलन जैसी समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अस्थिरता को दूर करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है तथा भूख को बढ़ाता है। यह अतिरिक्त पेट के एसिड के बेअसर करके GERD के लक्षणों को के उपचार में भी सहायक करता है। फ्रेंड्स, ये जो दवा है ये इतना एक्टिव इसलिए है क्योंकि ये चार दवाओं के मिश्रण से बनाया गया है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी मेथिकोन, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इसके थोड़ा कार्य के बारे में जान लेते हैं। सी मेथिकोन यह पाचन में मदद करता है, पाचन संबंधित समस्याओं में होने वाले दर्द और सूजन को कम करता है, साथ ही यह गैस को पेट से बाहर निकालने में मदद करता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यह अपच से जुड़ी समस्याओं जैसे पेट में खरोंच, एसिड के स्तर में वृद्धि, गैस बनना इत्यादि में एंटासिड की तरह काम करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह एक प्रभावी प्राचीन सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, शरीर में एसिड को कम करता है और मल त्याग को सरल बनाता है। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज यह पाचन में सुधार करता है और दस्त और संक्रमण जैसे समस्याओं को ठीक करता है। अगर आपको काफ़ी दिनों से गैस एसिडिटी, बदहजमी, पेट दर्द, सीने में जलन जैसी समस्या हो रही है तो डाइजिन सिरप का उपयोग जरूर करें, जिसमें आपको समस्याओं को ठीक करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। चलिए अब डाइजिन सिरप के डोजेस के बारे में जान लेते हैं, इसको कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, दवाई की जो डोज होती है वो पेशेंट के कंडीशन पर निर्भर करता है। इसकी जो मुख्यतः डोज होती है वो 5 ml करके दिन में दो बार या 10 ml करके दिन में दो बार ले सकते हैं, जो पेशेंट के समस्याओं के ऊपर निर्भर करता है। ये जो सिरप है इसको भोजन करने से पहले या भोजन के बाद 30 मिनट बाद भी ले सकते हैं। यह दवा सेवन करने के बाद आपको क्या क्या समस्या हो सकती है, यानी इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे सिर दर्द, नोसिया, वोमिटिंग जैसा लगना, दस्त लगना, एलर्जिक समस्या हो सकते हैं, त्वचा में लाल चकलते आ सकते हैं, खूनी मल देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिले तो दवाई को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। डाइजिन सिरप के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं, यानी किन किन व्यक्ति को इस सिरप का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको सीवियर किडनी डिजीज़ है तो इसका उपयोग ना करें, कैल्शियम की कमी है तो इसका उपयोग ना करें, अगर कोई व्यक्ति है इस प्रकार की मेडिसिन से एलर्जिक है तो इस दवा का उपयोग ना करें, लीवर में किसी प्रकार की समस्या है तो बिना डॉक्टर के सलाह के इसका उपयोग ना करें, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी जो माताएँ बच्चों को दूध पिलाती है तो वो भी बिना डॉक्टर के सलाह के इसका उपयोग ना करें। फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह आवश्यक लें क्योंकि हर पेशेंट का कंडीशन अलग हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको इस डाइजिन सिरप के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के मेडिसिन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जहाँ भी स्वस्थ रहे, खुश रहे। चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। टेक केयर ऑल माय डियर फ्रेंड्स।